नमस्कार, मैं हूं रश्मि। आप सभी का बहुत स्वागत है स्पाइस समाचार के इस नए एपिसोड में। आप सभी के लिए खास अपडेट, ध्यान रहे कि स्पाइस मनी की तरफ से कभी भी आपको स्पाइस मनी द्वारा या स्पाइस मनी के किसी एम्प्लॉय द्वारा अधिकारी ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक या कॉल नहीं आएगा। यदि आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो ऐसे कॉल को एंटरटेन ना करें और सावधान रहें। यदि आप ऐसे किसी भी कॉल को एंटरटेन करते हैं तो हो सकता है कि फ्रॉडस्टर द्वारा आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कोई लिंक भेजा जाए, और यदि आप भेजे गए किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि आपके मोबाइल पर आने वाले SMS या OTP फ्रॉडस्टर को फॉरवर्ड होने लग जाए, जिससे कि आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। इसलिए स्पाइस मनी अधिकारी ऐप को हमेशा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड या अपडेट करें। इसके साथ ही आपको एक और अपडेट देना चाहेंगे कि KYC करने के लिए कभी भी स्पाइस मनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगा। यदि आपको KYC में कोई प्रॉब्लम आती है तो दिखाए गए कस्टमर केयर नंबर या ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। सावधान रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।